नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे अपने चैनल रोजगारपुर में। बच्चों, आज की क्लास में हम आर्टिकल 9 के बारे में पढ़ेंगे। आर्टिकल 9 जो नागरिकता का निलंबन के बारे में दर्शाता है। ठीक है बच्चों, नागरिकता का निलंबन। चलिए बच्चों, थोड़ा देखते हैं आगे। आर्टिकल 9, टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप, यानी कि नागरिकता का निलंबन। देखिए, अगर कोई भारतीय भारत सरकार को बिना इन्फॉर्म किए किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो उसकी इंडियन सिटीजनशिप ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएगी। यानी कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी भारत का निवासी, भारत का नागरिक दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है तो वह भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। ठीक है, भारत से नागरिकता उसकी ख़त्म कर दी जाएगी। आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 10, नागरिकता के अधिकार। देखिए, आर्टिकल 10 जो नागरिकता का अधिकार है, इसमें जो विदेशी को नहीं मिलने वाला जो अधिकार है वो है आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 में बच्चों ये होता है कि विशेष धर्म जाति के लिए अलग अलग नियम बनाए जाते हैं। ठीक है, अलग अलग अधिकार दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये विदेशियों को नहीं मिला जाता है। आर्टिकल 16 जो समानता का अधिकार है, आर्टिकल 19 राइट टू फ्रीडम। ठीक है, विदेशों को ये अधिकार नहीं मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 20 यानी कि अपराध में संरक्षण, विदेशियों को भी यह मिलेगा। आर्टिकल 21, आर्टिकल 23 विदेशियों को भी, बच्चे ये आर्टिकल के तहत इनको सहायता प्रदान की जाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं। आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, आर्टिकल 27, आर्टिकल 28 रिलीजियस फ्रीडम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते थोड़ा। ये बच्चों, मैंने अभी आपको इसमें थोड़ा सा ब्रीफ बता दिया है। ठीक है, पूरी जानकारी आपको आगे की वीडियो में मिलेगी, जब मैं आर्टिकल टोटली आर्टिकल करवाऊंगा आगे की आने वाली वीडियो में। आर्टिकल 11 पे आते हैं कि संसद को ये अधिकार है कि वह नागरिकता के कानून में संशोधन कर सकती है, अमेंडमेंट कर सकती है। यानी कि संसद को ये अधिकार है कि वह नागरिकता के कानूनों में संशोधन कर सकती है। चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं। नागरिकता पार्ट 2, सिटीजनशिप। भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के बच्चों 5 तरीके हैं, 5 वे टू गेट सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। पहला है जन्म से नागरिकता। देखिए, 26 जनवरी 1950 के बाद जिसका जन्म भारत में हुआ हो वह भारत का नागरिक है ना। आगे बढ़ते हैं। देखिए, वंशानुगत नागरिकता यानी कि जन्म भारत के बाहर लेकिन जन्म के समय जो पिताजी हैं फादर के पास हैं जो भारत की नागरिकता हो तो वो भी सिटीजनशिप ऑफ इंडिया कहलाया जाएगा। ठीक है, आता है फिर तीसरा, पंजीकरण हो नागरिकता का। देखिए, 6 मंथ से भारत में रह रहा हो और कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो तो वह रजिस्ट्रेशन करा सकता है। आगे बढ़ते हैं। प्राकृतिक नागरिकता, देखिए, 6 मंथ से भारत में रहे, उसके बाद रजिस्ट्रेशन तथा ड्यूरेशन में 4 ईयर का हो, जो रजिस्ट्रेशन का ड्यूरेशन हो वो 4 ईयर का हो तो उसको भी भारत की नागरिकता मिल जाती है। आगे बढ़ते हैं। विलय से नागरिकता। ठीक है, देखिए, ये जो कानून हैं वो 1955 में भारतीय नागरिकता अधिनियम के तहत बनाए गए थे। ठीक है, इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955 के तहत बनाए गए हैं। एक चीज़ और बच्चों, देखिए, 1986 में इंडियन सिटीजन अमेंडेड एक्ट लाया गया, जिसमें क्या था, कुछ कंडीशन लगाई गई कि माता पिता में से कोई एक इंडियन होना चाहिए। ठीक है, जन्म भारत से बाहर लेकिन जन्म के समय माता पिता इंडियन सिटीजनशिप हों तो उसको 6 मंथ या 12 मंथ यहाँ रहना कंपलसरी हो जाता है। तीसरा है, मिनिमम 5 ईयर्स इंडिया में रहना आवश्यक है, यानी कि 5 साल तक उसके इंडिया में रहना आवश्यक है। ठीक है, अब 10 कर दिया गया है, 5वें नंबर में कोई भी चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, यानी कि 10 साल तक उसको इंडिया में रहना अनिवार्य है। उसके बाद 2005 में भारतीय नागरिकता अधिनियम इंडियन सिटीजनशिप एक्ट लाया गया, जिसमें दोनों माता तथा पिता का भारतीय होना अनिवार्य है। ठीक है, जो लड़कियां हैं, गर्ल आफ्टर मैरिज नो नीड टू स्टे 5 ईयर, मतलब कि महिलाओं को
यह नहीं लागू होता है कि उनको 5 साल रहना ही रहना है, इसके बाद उनको नागरिकता मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए। पीआईयू तथा ओसीआई का विलय, पीआईयू और ओसीआई का विलय हो चुका है और अनलिमिटेड टाइम तक यहाँ रहना संभव है 2015 के बाद से। ठीक है बच्चों, इतना ध्यान रखेंगे। कल हम इसके बारे में थोड़ी और चर्चा करेंगे विस्तृत रूप में। आज की वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे, मिलेंगे कल एक नए वीडियो के साथ। बाय बाय। अब बच्चों, जो चीज़ में आपको ना समझ में आई हो वो कमेंट सेक्शन में हमें बता दीजिएगा।